करना चाहते हैं उसकी आवाज हर भारत मां के लाल तक पहुंचा। भारत माता की जय हो। थोड़ा सा तेज। भारत माता की जय हो। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, जब वो अजमेर की सभा में आए थे तो परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि स्कूटर पर बैठ करके जिस कार्यकर्ता के साथ इस राजस्थान का काम खड़ा किया, ऐसा मेरा साथी भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, जमीन से और कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ ऐसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन लाल जी सैनी, उनके लिए मैं कहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, अभी अभी आपको संबोधित किया हमारे माननीय सांसद जी ने, ये शेर की तरह धारते हैं लोग। इस टोंक विधानसभा क्षेत्र पर जाति और धर्म के नाम से अपना चयन करके आए हैं, उनके सामने चुनौती बनकर के खड़े होंगे हमारे लोकप्रिय सांसद सुखबीर सिंह जी, जौनपुरिया जी, उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष बहुत अनुभवी राजनीति के गणितज्ञ माननीय गणेश जी माहौर साहब, हमारे जिला प्रमुख माननीय सत्यानंद जी चौधरी, हमारी इस शहर की प्रथम नागरिक और महिलाओं में विकास की प्रतीक हमारी बहन लक्ष्मी जी जैन, यहाँ की नगर परिषद की चेयरमैन, भाई पूर्व चेयरमैन अभी वर्तमान चेयरमैन नबूबकर नकवी जी, हमारे हेमंत लामा जी, दीपक जी, महावीर जी, देवी प्रसाद जी जैन जी, सतीश चंदेल जी, श्यामलाल जी, चंद्रवीर जी, नरेश जी बंसल, प्यारेलाल यादव जी, रामचंद्र गुजर जी, दुर्गालाल बेरवा जी, प्रधान गुजर जी, गंगाधर यादव जी, यास्मीन बहन, श्रीमती पुष्पा मीना, विकास खान और जगदीश मीना, महेंद्र, हंसराज जी दबाई, हरजी राम जी गुजर, आरडी गुजर, सम्मानित, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम रह गए, सब मोर्चों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सब कार्यकर्ता बंधु, सम्मानित मंच उपस्थित मेरे कार्यकर्ता बंधु, अभी जौनपुरिया जी से पहले भी कुछ लोग बोले होंगे, यहां भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आदेश दिया कि तुम जाओ और टोंक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जाकर के वहां से चुनाव लड़ो। मैंने उनसे पूछा, मैंने मदन जी भाई साहब से और प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व से पूछा कि मुझ में टोंक क्यों जाऊं। मेरे पास आपके आदेश से पिछले चार चुनाव में डीडोना विधानसभा से लड़ रहा हूं, वहां मैं लगातार जीत रहा हूं, वहां की जनता की सेवा कर रहा हूं। पिछले पांच वर्षों में हिंदुस्तान के 4120 विधानसभाओं में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने का काम मैंने किया है, आप मुझे टोंक क्यों दे। उन्होंने कहा, ये बैठे मदन जी भाई साहब मेरे घर आए थे स्वयं, जब इसी तरीके से मेरे डीडवाना के कार्यकर्ता बैठे थे, कोई रो रहा था, कोई किरोसिन छिड़क रहा था, कोई मतलब जो है फांसी लगा रहा था, आत्महत्या के प्रयास कर रहे थे, उसके बीच में माननीय मदन जी भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि यूनुस खान ने एक जाति का नेता है, न एक धर्म का नेता है, न एक वर्ग का नेता है, न एक वर्ग संप्रदाय का नेता है, ये राजस्थान का मंत्री है, न एक डीडवाना का नेता है, इसलिए पार्टी जहां से चाहेगी वहां से लड़ाएगी, इसलिए ये आपके अकेले की संपत्ति नहीं, ये पार्टी का कार्यकर्ता है। ये मदन जी भाई साहब बैठे, इनका भाषण प्रसारित हुआ और आदेश मिला, तो मैंने यहां आकर के सबसे पहले ये कहा कि मैं आया नहीं हूं, मैं आया नहीं हूं, और
ये जो चुनाव है ये कोई छोटा चुनाव नहीं, टोंक का चुनाव, ये चुनाव सेवक और स्वामी का चुनाव है, सेवक और स्वामी का चुनाव है। हमारे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि सेवक और स्वामी का चुनाव कैसे हुआ, मैंने कहा एक तरफ वो प्रत्याशी है जो इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, राहुल गांधी का लाडला है, जहां चाहे जब उसकी इच्छा हुई तो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, उनकी 200 विधानसभा में 69 विधानसभा रिजर्व है, बाकी विधानसभाओं में उसकी मर्जी आए वहां से चुन सकता है, इसलिए वो अपनी मर्जी से आया है, मर्जी का मालिक है, वो स्वामी है, क्योंकि उसने टोंक विधानसभा मालिक होने के नाते चुनी, मैंने तो सेवक होने के नाते मदन जी भाई साहब का हस्ताक्षर हुए और इनका आदेश हुआ जब आया, वो तो खुद लेने वाला और खुद ही देने वाला। हमारे हिंदू संस्कृति में कहते हैं श्रीनाथ जी देने वाले और श्रीनाथ जी लेने वाले, लेकिन कांग्रेस की संस्कृति में तो परिवारवाद है, इसलिए लेने वाले भी खुद और देने वाले भी खुद। तो आगे तो मैंने तो 10 साल तक सेवा की है। सचिन पायलट जी पूछ रहे थे कि यूनुस खान यहां क्यों आए हैं, मैं पायलट साहब आपको बता दूं कि यूनुस खान इस टोंक का पिछले 5 साल का हिसाब लेकर के आया है, आपकी तरह गणित लगा करके नहीं आया है, आपकी तरह गणित लगा करके नहीं आया है कि मुसलमान मुझे वोट दे देंगे क्योंकि इनकी बपोती है, कांग्रेस की बपोती है, मुझे गुजर वोट दे देंगे क्योंकि मैं उनके समाज का हूं, SC ST वोट दे देगा क्योंकि ये कांग्रेस के हैं। अरे मेरे भाई, वो जमाना गया, वो जमाना गांधी परिवार का हुआ करता था, अब तो हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर मोदी 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 के नाम का, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जिस तरीके की धाक मोदी जी ने जमाई है उस धाक के पीछे हम चुनाव लड़ने आए। अरे अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिन्होंने कहा था कि गांव के गरीब की झोपड़ी तक, ये कह रहे थे सचिन पायलट जी, कह रहे थे पत्रकार मित्रों ये विचारधारा की लड़ाई है, छाती ठोक के मैं भी कह रहा हूं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ तुम्हारी संस्कृति है जो इस टोंक के अंदर हवाई अड्डा बनाना चाहती है, दूसरी तरफ पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा है जो गांव के गरीब की झोपड़ी में पानी देना चाहते हैं, बिजली देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, सड़क देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं। ये फर्क है। मैंने कहा था कि सचिन जी एक बार मेरे से मुकाबला कर लो, कल मेरे को एक पत्रकार मित्र पूछ रहे थे, आपने कहा था, मैंने कहा था 6 महीने पहले कि राजस्थान सरकार में एक सेवक के रूप में यूनुस खान काम कर रहा है, पायलट जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पिछले 5 वर्षों में एक भी आरोप इस भारतीय जनता पार्टी पर स्थापित नहीं कर पाए, एक दिन आंदोलन नहीं किया, एक दिन खाली प्रेस नोट भेजकर अपना फोटो छपाकर इन्होंने काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं 10 वर्षों से मंत्री के रूप में, सेवक के रूप में इस जनता का काम किया है। और अभी जौनपुरिया जी कह रहे थे अकेले टोंक जिले के अंदर, अकेले टोंक जिले के अंदर 2000 करोड़ की सड़कें, उसका पूरा हिसाब अगर सचिन पायलट जी लेना चाहते तो देने आए। अरे आप हवाई अड्डा बनाना चाहते, आते ही कहा मेरे एजेंडे में हवाई अड्डा है। पत्रकारों ने मुझे पूछा आपका एजेंडा क्या है, मैंने कहा वो भी बाहर से आए हैं, मैं भी बाहर से आया हूं, उनके कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि आप तो जाते ही घोषणा कर दो कि हम टोंक में रेल लाएंगे, हम टोंक में हवाई अड्डा लाएंगे, तो उन्होंने आते ही घोषणा कर दी, पहले ये नहीं देखा कि टोंक को चाहिए क्या, टोंक को चाहिए शिक्षा,
तुमको चाहिए रोजगार, तुमको चाहिए पानी, बिजली, ये सब चीजें चाहिए। अरे 55 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, इसी टोंक से कांग्रेस के मंत्री बने, इसी टोंक से कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री बने। तो आज पायलट जी आप कहते हो कि ये टोंक पिछड़ा हुआ है, इसके लिए दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसके लिए दोषी है तो वो आपकी कांग्रेस पार्टी है। अरे एक बार मंत्री रहने के बाद अगर वो जिला, अगर वो विधानसभा पिछड़ती है तो वो दोष किसी दूसरे का नहीं, वो दोष आपका है। अगर आपको देखना है, मैं 10 साल से मंत्री हूं, अगर आपको देखना है तो पायलट जी आप भी चलो और टोंक के लोगों को ले जाए, हिंदुस्तान में तीर बना कैसा बना है ये देखने का काम अगर आपका। अरे मंत्री रह ले 5 वर्षों तक, मंत्री रह ले कोई 10 वर्षों तक, वो जिला पिछड़ जाए जिस जिले में उप मुख्यमंत्री हो और उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आकर के माहौर जी ये कहे कि पिछड़ा हुआ है, उसका दोष हमारा नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के सचिन पायलट को पत्रकार मित्रों कह देना, इसी टोंक में यूनुस खान इस अपने किए हुए काम का हिसाब इस टोंक की धरती पर, इस टोंक की धरती पर, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, इसकी फोटो खींच सकते हैं, ये टोंक का हिसाब है। यहां 36 ग्राम पंचायतें हैं, उन 36 की 36 ग्राम पंचायतों में इसी आपके सेवक के हस्ताक्षर से हर ग्राम पंचायत में ग्रामीण गौरव पथ बना है, हर ग्राम पंचायत में मिसिंग लिंक बना है। यहां टूटी हुई सड़कें, लगभग 214 किलोमीटर टूटी हुई सड़कों का स्वीकृति इसी सेवक के हस्ताक्षर से हुए हैं। इसलिए मैं तो मेरा हिसाब लाया, आप टोंक में क्यों आए हो ये टोंक की जनता पूछ रही है। मैं अखबार पढ़ रहा था, कल कह रहे थे मेरा टोंक से बड़ा वादनाम आता है, क्या नाता है भैया? आपका क्या नाता है बता दो। आप 10 साल तक दिल्ली में मंत्री रहे तो रेलवे जब याद नहीं आई, टोंक जब याद नहीं आया, जब कहा कि दौसा मेरा नजदीक पड़ता है, स्वाई माधोपुर मेरा नजदीक पड़ता है, यहां से हमारे परिवार ने चुनाव लड़ा। अरे आपका परिवार तो जब से जन्मा है चुनावी लड़ रहा है, चुनावी जीत रहा है और गांधी परिवार की सेवा कर रहा है, लेकिन जनता की सेवा तो यूनुस खान और वसुंधरा राजे और मदन सैनी और हमारे जौनपुरिया जी का, ये हमारा जिला प्रमुख बैठे जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, ये हमारे माहौर जी बैठे जमीन से, ये संगत जी बैठे, ये हमारे सब के सब प्रधान ये जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता। कहा कि पायलट साहब आ गए, मैंने बहुत अच्छी बात है आ गए तो, इसमें डर की क्या बात है, पायलट साहब आ गए तो अच्छी बात है। लोगों ने कहा कि बड़े मतलब जो है हवाई अड्डा बनाएंगे, मैंने कहा भाई अभी तो हवाई अड्डा बना नहीं, तो पायलट साहब आप हवा में आए हो तो हवा में ही वापस चले जाओ, यहां लैंड करने के लिए हवाई अड्डा नहीं है। ये यूनुस खान तो सड़क का आदमी है, मैं 4 दिन से पैदल सड़क पर घूम रहा हूं, मुझे लोग पूछते हैं कि आप सड़क पर क्यों घूम रहे हो, मैंने कहा भाई मैं सड़क का आदमी हूं, खड्डे खोदता हूं, सड़कें बनाता हूं, इसलिए मैं सड़क पर चल रहा हूं। वो हवा का आदमी है, पायलट है, इसलिए उसका जमीन पर नहीं आएगा, उसका सीधा दिल्ली जाके लैंड करेगा, वो दिल्ली का आदमी, दिल्ली लैंड करेगा। इसलिए ये चुनाव शेख और स्वामी का चुनाव है कार्यकर्ता, ये चुनाव टोंक की जनता का चुनाव है, ये चुनाव। मुझे पूछा, कल मेरा इंटरव्यू छपा माननीय पायलट साहब का भी इंटरव्यू छपा माननीय मदन जी भाई साहब टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने मुझे पूछा कि आपका एजेंडा क्या है, मैंने कहा मेरा एजेंडा तो जमीन का है, बोले उनका एजेंडा क्या है, मैंने कहा उनका एजेंडा तो पहले भी आसमान का था अब भी आसमान का है, उनको जमीन पर चलने की आदत नहीं है, पायलट है इसलिए ऊपर चलते हैं, हम तो जमीन के लोग हैं इसलिए जमीन पर चलते। उन्होंने कहा किसान, मेरे हाथ में किसान के पेपर, 29 लाख
30,000 किसानों को 9,000 करोड़ का कर्जा माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व वाली सरकार ने माफ किया, उसका हिसाब मिलाया। उन्होंने कहा नौजवान, तो नौजवान 3,08,000 नौजवानों को राजस्थान सरकार ने नौकरी दी। मुद्रा योजना में 40,00,000 लोगों को लोन दिया, 18,00,000 लोगों को हमने रोजगार के अवसर दिए। ये हिसाब लाए हैं, फोटो स्टेट करके बांट सकते हो, ये हिसाब लाए। उन्होंने कहा किसान के बिजली का बिल माफ करेंगे। अरे भैया तुम आओगे जब करोगे ना, आपके आने से पहले ही वसुंधरा जी ने सारे किसानों का 10 अक्टूबर तक का बिजली का बिल माफ कर दिया। प्रधानमंत्री जी आए थे, जिस दिन आचार संहिता लगी थी उसी दिन बिल माफ कर दिया। किसान का बिजली का बिल नहीं बढ़ाया किसान भाइयों, किसान का बिजली का माफ कर दिया, किसान का लोन माफ कर दिया, युवाओं को रोजगार दिया। और आज आप देखो, मैं देख रहा था जल स्वावलंबन का काम किया, गरीब को 30,000 से 3,00,000 तक उसका ऑपरेशन हो तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में भामाशाह स्वास्थ्य योजना। उतना मोटा हिसाब स्टोंग जिले का है, 4,75,00,000 लोगों को सीधा लाभार्थी बनाया। ये काम किसने किया? ये काम वसुंधरा जी की सरकार ने किया। देश के अंदर मोदी जी की सरकार है और मोदी जी ने काम किया, इसलिए मोदी जी की सरकार का काम वसुंधरा जी की सरकार का काम। और अगले 15 दिन में जब आप क्या लेके जाओगे, कुछ किया तो है नहीं। दिल्ली में मंत्री रहे, टोंक को अगर 100 रुपए दे देते तो उसको गिना देते। ये तो मैं तो हर विधानसभा का हिसाब है, निवायिका मांगो तो निवायिका मिल जाएगा, मालपुरा का मांगो तो मालपुरा का मिल जाएगा, उनियारा का मांगो तो उनियारा का। राजस्थान के 200 विधानसभा का हिसाब हम जेब में लेके चलते, कंप्यूटर लेके चलते, इसलिए हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन सब बातों के बाद में भी चाहे किसी भी विकास की बात हो, अब हम बात कर लें। इन्होंने कहा कि यहां चुनाव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अगर सचिन जी आप में हिम्मत है तो कह दो, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हो। चला था, अरे लोगों को गुमराह कर रहे। मैं अनुशासन तोड़ सकता हूं, मदन जी भाई साहब बैठे इनकी भी बात नहीं मानूंगा। आप जहां भी बैठे हो वहां से घोषणा कर दो कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। मैंने तो मंत्री का उम्मीदवार हूँ, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, मैं एक चीज का उम्मीदवार हूँ, मैं इस चीज का उम्मीदवार हूँ कि पार्टी ने आदेश दिया है, इसलिए टोंक की जनता का सेवक का उम्मीदवार हूँ, सेवा का उम्मीदवार। अरे आज हाजी बेचारे किसी की सेल्फी खींचते हुए का फोन तोड़ रहे हो, किसी को धक्के मरवा रहे हो, कोई माला लिए खड़ा उसकी माला नहीं पहन रहे हो, आपके गार्ड्स आपके नजदीक नहीं आने दे रहे। अरे अभी तो नॉमिनेशन फाइल हुआ है, जब ये नखरे हैं, अगर आपको विधायक बना दिया तो आपके क्या नखरे होंगे ये कह नहीं सकते। ये मदन जी भाई साहब भी एमएलए भी रहे हैं, सांसद भी हैं अभी, और ये दूसरे सांसद भी बैठे हैं हमारे पास। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया के कौन से कानून में है कि बिना चुनाव लड़े ही कोई मुख्यमंत्री बन जाए। अरे गहलोत साहब के बैठे हुए हर राजस्थान सब जानते हो, वो बैठे हैं। मैं उनका 5 दिन पहले इंटरव्यू देख रहा था, जोधपुर से जब उतर के हवाई अड्डे के बाहर आए, उन्होंने एचएच जोधपुर ने एक बार कहा था जब स्वतंत्र, वो कौन सी पार्टी थी भाई सब, नहीं स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, एचएच जोधपुर ने पार्टी बनाई थी, राम राज्य परिषद बनाई थी, और उन्होंने एक बात कही थी जोधपुर में उतर करके, उस समय हेलीकॉप्टर हुआ करते थे कहीं कहीं, हेलीकॉप्टर से उतर के कहा कि मैं थासू दूर नहीं। गहलोत साहब ने 5 दिन पहले जोधपुर में यही बात कही, मैं थासू दूर नहीं और राजस्थान मारे से दूर नहीं। तो भाया तू कह रहे मैं कपट्टी खेलूंगा, मैंने पढ़ा बयान, कपट्टी खेलूंगा, तो कपट्टी
हमसे मत खेलो, मैं तो नेशनल प्लेयर हूं, तुम तो जाके पहले गहलोत साहब से कबड्डी खेल लो, पहले उनसे कबड्डी खेल लो। इसलिए कबड्डी, मैंने कहा कबड्डी है ना, हम कबड्डी खेलने नहीं आए, हम तो ये जो जनता है उसकी हाथ जोड़ के सेवा करने आए, हम कबड्डी खेलने नहीं आए। ये कबड्डी का मैदान नहीं है, ये सेवा का मैदान है। ये लोकतंत्र में जनता का दुख और दर्द को सुनकर के उसके समाधान का मैदान है। इसमें अगर आप शासन और प्रशासन में रहते हो तो उसको पानी कैसे पहुंचे, उसको बिजली कैसे पहुंचे, शिक्षा कैसे पहुंचे, चिकित्सा कैसे पहुंचे, सड़क कैसे पहुंचे, और जब सुख दुख हो तो उसके जाकर के आंसू कैसे पहुंचे, इसका काम है। ये कबड्डी का काम नहीं है। कबड्डी आप अपने कांग्रेस में खेलो, ये जनता कबड्डी आज खेलने देगी, कल खेलने देगी। पायलट जी, पेन भी आपका था, पेन भी आपका था, पन्ना भी आपका था, वो हस्ताक्षर करके तो ले आए टिकट, लेकिन अब अंगुली जो है वो टोंक की जनता का है, वो कमल का फूल दबा करके अपनी अंगुली से ये कमल का फूल खिला करके फिर एक बार 2018 में इस टोंक से भारतीय वरिष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता आप में और बैठे, और मैं तो कहता हूं कि दो गाड़ियां करके जाओ यहां से, मेरे पीछे से दो बसें भर के जाओ, भीलवाड़ा में जाकर के देखो विकास कैसा होता है, सेवा कैसी होती है, जनता से कैसा जुड़ा जाता है। अगर एक नेता को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो जनता कैसे रोती है, ये नमूना देखना हो तो मदन जी भाई साहब से पूछो, ये नमूना देखना हो तो ये बैठे माहौर जी से पूछो, ये नमूना देखना हो तो ये हमारी बहन यहाँ की चेयरपर्सन बैठी है इनसे पूछो, टीवी मीडिया में दिखा। अरे अभी जनता को धक्के मार रहे हो, हरी से जनता को धक्के मार, अरे भैया मुख्यमंत्री कौन बना रहा है आपको, अभी तो भारतीय जनता पार्टी 130 सीटों से ज्यादा जीत करके फिर वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बना, सरकार बीजेपी की बनेगी मित्रों, सरकार बीजेपी की बनेगी। और आप राजस्थान में घूम लो, अभी ये कह रहे थे मैं सट्टा पट्टा तो मैं जानता नहीं, मैं तो इतना जानता हूं कि राजस्थान की जनता के दिल में मोदी जी और वसुंधरा जी कमल का फूल और अटल बिहारी वाजपेयी जी का अटल तो घूम रहा है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। एक हमारा अध्यक्ष है, ऐसी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसमें 80 लाख लोग हो, जिसमें 80 लाख मतलब यहां लोग हो और करोड़ों लोग पूरे देश में हो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएलए जिनके साथ 162 एमएलए हो, सांसद हो, मतलब 33 सांसद हो, उस पार्टी का अध्यक्ष कितना सामान्य है, एक दूसरी पार्टी का अध्यक्ष जो आज से इतने नखरे कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बाबा जी, आपसे पूछना चाहता हूं भैया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि सेवा करने वाला चाहिए या घमंड वाला चाहिए, बोलिए जोर से बोलिए। एक अध्यक्ष मदन जी भाई साहब हैं जो कार्यकर्ता कहीं भी हाथ देखते गाड़ी रुका ले, एक अध्यक्ष सचिन जी पायलट हैं जिनसे मुझे बता दो एक परिवार के अलावा पिछले 5 दिन में टोंक का एक भी आदमी नहीं मिल पाया, चिंता मत करो यहाँ बन पड़ू मैं पूरे ध्यान रखो, आज तो 7 तारीख ने गुट की देर फेर के बाद में सोचा मैं पहले कौन सो 7 तारीख को पान, मेरे को लोगों ने कहा आप रात पर फिरते हो, मैंने चिंता मत करो इनको रात पर फिर करके सचिन पायलट जी का लैंड नहीं होगा, सचिन पायलट जी का लैंड नहीं होगा ये बता दूंगा मैं तो। ये मदन जी भाई साहब बैठे, इन्होंने मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी आपको टोंक जाना, रामलाल जी भाई साहब का फोन आया, अमित शाह जी का फोन आया, वसुंधरा जी ने बुला के कहा भाई देख पार्टी का फैसला मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने हंसते हंसते कहा अरे जिस पार्टी ने इस गरीब किसान के बेटे को, जिस पार्टी ने इस फौजी परिवार के भाई को यहां गढ़ करके बनाया, मैं कोई पैराशूट से नहीं आया, मैं इसी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ा हुआ कार्यकर्ता हूं।
जिसको तैयार किया है। 1989 में मैं इससे जुड़ा, 1998 में भैरव सिंह जी की अंगुली पकड़ करके राजनीति सीखी, वो कार्यकर्ता हूँ। 20 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। इस पार्टी का संयम, अनुशासित और आज्ञाकारी कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मेरे मित्रों, आप मुझे चुनोगे, मैं आपको कह रहा हूँ, जो बड़े हैं उनको पाप का सम्मान दूंगा, बराबर के हैं भाई बहन का सम्मान दूंगा, छोटे हैं तो बेटे बेटी का सम्मान दूंगा। आपका सम्मान कभी भी नीचा नहीं होगा। आपका मन मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, आप टोंक का मान और सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। टोंक के मतदाताओं का, टोंक की जनता की इज्जत को आप ऊपर तक ले जाऊंगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा, उलाना मिले, मैं इतना ही कह सकता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे प्यार दीजिए, आप मुझे स्नेह दीजिए, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरा सहयोग करिए। फिर एक बार, ये भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा, मैं आज घोषणा कर रहा हूं 3 बजे पहले कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मैंने माननीय मदन जी भाई साहब के हस्ताक्षर से जो आज्ञा मिली थी उसका पालन करके, हस्ताक्षर करके कार्यकर्ताओं के साथ जाके फॉर्म जमा करा दिया, मैंने मेरा काम कर दिया। अब काम बचा है तो टोंक की जनता का, काम बचा है तो भारतीय जनता पार्टी का, काम बचा है तो टोंक के कार्यकर्ता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने इस कलम से हस्ताक्षर किए, इसी कलम से राजस्थान की पिछले 5 साल से वही कलम है जो पिछले डीडवाणा में मैंने डीडवाणा के लोग बैठे ये कहा था, इसमें स्याही डाल दो, इसमें तुम स्याही डाल दोगे, इसी स्याही से इस डीडवाणा का कल्याण का काम करूंगा। आपको कह रहा हूं, इसी स्याही से इसी टोंक विधानसभा क्षेत्र का, टोंक जिले का, राजस्थान के कल्याण का काम है। मैं एक बार पुनः माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बार पुनः यहाँ की भारतीय जनता पार्टी का, चाहे यहाँ के विधायक हमें वर्तमान विधायक अजीत भाई हो, पूर्व विधायक हमारे जैन साहब हो, और हमारे सांसद महोदय हो, हमारे प्रमुख जी हो, हमारे चेयरपर्सन हो, या प्रधान और अन्य पदाधिकारी हो, या भारतीय जनता पार्टी चाहे वो मंडल है, चाहे वो जिला है, माहौर जी की पूरी टीम है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही रहूंगा, इसी बात के साथ एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का माहौर जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेवा में यूनुस खान कभी कमी नहीं रखेगा, आपका होकर के रहेगा। वैसे पूरी राजस्थान की जनता का प्यार उसने मुझे मुड़ता है, इस पार्टी ने मुझे बहुत दिया, इस पार्टी ने मुझे बहुत मान और सम्मान दिया है। इसलिए लोगों ने मुझे कहा कि डीडवाणा से टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, मैंने कहा पार्टी की सेवा करूंगा। जरूरी नहीं है कि कार्यकर्ता रोज चुनाव लड़े, क्योंकि 80 लाख यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता हैं, 7.5 करोड़ लोग हैं, उनमें 200 लोगों को टिकट मिलती है, बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग जब कार्यकर्ता काम करते हैं तो यूनुस खान भी काम कर सकता है, दरी बिछा सकता है, झाड़ू लगा सकता है। इसी भाव के साथ एक बार पुनः माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, रात के आग्रह पर आप आए, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कार्यकर्ता बंधुओं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टोंक की 4 सीटें जीतेगी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अपने सखा को कह रहे हैं, आजकल उसको पार्टी पटा पटा के भेज रहे हैं, वो चौकीदार करता घूम रहा है। भैया ये तो सेवक हैं, स्वयं सेवक हैं, ये तो चौकीदार रह के काम करेंगे, प्रधानमंत्री तो आप बने तो देश का ये हाल हुआ, इसलिए ये देश आगे बढ़ेगा। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में
प्रदेश आगे बढ़ेगा वसुंधरा जी के नेतृत्व में, और टोंक आगे बढ़ेगा हमारे मदन जी भाई साहब के नेतृत्व। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं कहीं नहीं पहुंचू, कार्यकर्ताओं ये मत कहना क्योंकि मेरे पास समय कम है। अब सब कमल का फूल बन जाओ, उसका मंडी की जरूरत नहीं। कमल का फूल हाथ में ले लो और ये कहो इसी पे मोर लगाओ, सब लग जाओ। अरे इस 10 दिन में कहां कहां पहुंचेंगे, कौन कौन से बूथ पे पहुंचेंगे, 244 बूथ पे संभव नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी का इतना काम है, इसलिए सब लग करके काम करो। मैं हाथ जोड़ता रहूंगा और आप जो है जनता को जोड़ते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय टोंक और जय जय जनता, जय जय जनता। अब एक बार मेरे साथ मेरे को एक झंडा दे भैया, झंडा दे आइए दे। क्या मतलब जो है कांग्रेस वाले चाहे बाहर से चारों आदमी ले आओ। मैं ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर हूं, मैंने सारी गाड़ियों के नंबर नोट करवाए हैं, कहां कहां से गाड़ियां आई हैं, कहां कहां से जनता आई। ये टोंक की जनता बैठी है, ये भाजपा का झंडा है। आप उसने 4 बार नारे लगाए, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथी बार बोला कि जोश नहीं है क्या भाई साहब, मदन जी भाई साहब उसने 4 बार नारे लगाए अभी एक सभा में परसों, तो कहा जोश नहीं है क्या। तो लोगों ने कहा भाई साहब नहीं है, बोले क्यों नहीं है, बोले आप ऊपर से आके टपक गए इसलिए। हम टपके नहीं है भैया, हमारे तो पार्टी ने भेजा है और पार्टी लाई है। इसलिए मैं जब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद लगाऊं, ये मीडिया वाले भी कवर करेंगे, हर आदमी कवर करेंगे, दोनों हाथों से झूम झूम के और बजा बजा के जगह भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलूं। मैं देखूंगा पीछे खड़ा रहूंगा भैया हरी टी शर्ट में, भैया कार्यकर्ता एकदम अलर्ट हो जाओ, वो एक यू के भाई खड़ा वो भी अलर्ट हो जाए। और इधर देखो बीजेपी के लगा लो आसमान में यू लगाओ और भाजपा लंबा नारा भारतीय जनता पार्टी। तो हाथ में लेके और यहां से जाओ तो अपनी कार और गाड़ी पे कर जाओ तो झंडा लगा लेना। और इस पट्टे को जब तक नरेंद्र भाई मोदी शपथ नहीं ले लें तब तक उतारना नहीं है। इस शपथ के साथ कार्यकर्ता जाए, जब तक इस पट्टे को गले में रखो, गाड़ी पे झंडा लगा के रखो और इस टोंक में दिखा दो कांग्रेस को कि हमारे में दम है, हमारे में